और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि न्याय का बुलडोजर चल गया। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है, जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है। जो समाज को तोड़ते रहे हैं वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए 69,000 के साथ और खासकर आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की जितना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कोई भी साधु कोई संत योगी जो है सत्ता का गुलाम नहीं है। कैसे? वैसे आप खुश तब रहोगे जब उनकी कोई बात सीरियस मत लो आप। ये बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि न्याय का बुलडोजर चल गया, न्याय मिला है। सर, आरएसएस ने कहा है कि जाति जनगणना संवेदनशील मुद्दा है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है, जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है, और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और देखिए 69,000 के साथ और खासकर आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की जितना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और ये सरकार जानबूझ करके कर रही है। 69,000 बच्चों का पहले तो हक मारना, और जब न्यायालय के माध्यम से उनको हक मिलने का रास्ता मिल जाए उसमें भी रोड़ा अटका रहे हैं। 69,000 वाले बच्चे किसी की भी नौकरी नहीं छीनना चाहते हैं। ये अगर नौकरी मिली और नौकरी छीनी गई, ये सरकार ने किया है, सरकार के लोगों ने षड्यंत्र किया है। सरकार इस षड्यंत्र में शामिल रही है, सरकार जिम्मेदार है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कोई भी साधु कोई संत योगी जो है सत्ता का गुलाम नहीं है। कैसे? वैसे आप खुश तब रहोगे जब उनकी कोई बात सीरियस मत लो आप। आप उनकी बात सीरियस क्यों लेते हो? देखिए संत योगी या साधु, अगर ये बात जो कह रहे हैं तो वो खुद ही कुर्सी से चिपके हुए हैं, वो रास्ता खोलें किसी और के लिए। सर, बहराइच में लगातार आदमखोर भेड़ियों का जो है आतंक देखा जा रहा है, सर कई लोगों की मौत हो चुकी है, सीतापुर में भी सुनने में आया। देखिए पीलीभीत हो, लखीमपुर खीरी हो, बहराइच हो, बिजनौर हो, सरावस्ती हो, बलरामपुर तक, कई जिले आपके ऐसे हैं जिसमें इस तरह की घटना होती रही है। कई सौ लोग की जान गई है, और ये बात आज की नहीं है, कम से कम एक साल से ज़्यादा हो गया है। सदन में भी ये बात उठी, लोगों ने बताया, उनके लोग खुद जानते हैं, मंत्री जी खुद गए, उनके विधायक बंदूक लेकर के घूम रहे थे। सोचो उनके ही विधायक अगर बंदूक लेकर घूम रहे हों तो सबसे कह दो, विधायक बंदूक लेकर घूम रहे हैं और विभाग उन्हीं के पास है, सरकार उनकी है, उसके बाद भी लोग सुरक्षित नहीं है। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा, गरीब के घर में घुस जा रहे हैं लोग, बच्चे तक सुरक्षित नहीं है। आखिर सरकार कर क्या रही है? सर, बीजेपी के जो नेता है नारायण गाड़े, उन्होंने बांग्लादेश को लेकर जो है कहा है कि मस्जिदों में घुसकर इस तरह के बयानबाजी। देखिए अब बहुत लंबी बातें मत करो, इधर उधर वाली बातें, ये विदेश नीति प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कह सकते हैं। अभी अब आप याद दिला दो, अपने मुख्यमंत्री भी कहने लगेंगे, तो ये जिसका विषय उसके विषय पर छोड़ दीजिए। आप देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।